हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल RES एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीवन हेल्पर सहित करीब दर्जन भर वैकेंसी आए हैं जिनका परिणाम अभी आना शेष है। इस कारण जो जी राजस्थान न्यूज़ है उसने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि कौन कौन सी वैकेंसी है जिनका रिजल्ट अभी आना है और कुछ रिजल्ट आने में अड़चने बाधाएं आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं ट्वीट। कल का ट्वीट है, 11 तारीख का ट्वीट है, आज 12 तारीख होने जा रही है। मैंने आपको जो ट्वीट में जानकारी दे जा रही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, उसके सिवाय एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर का कटिंग में बताऊंगा, उसमें आपके जीवन हेल्पर से संबंधित क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। लिखा हुआ है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018-19 पद 9000 पद, कृषि पर्यवेक्षक 1832 पद, हेडमास्टर 2018 1200 पद थी और SI के 13 SI भर्ती के और NTT 1310 और प्रयोगशाला 4100 पद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सुपरवाइजर 309 पद और विद्युत हेल्पर सेकेंड 2412। सबसे इंपॉर्टेंट 2412 परिणाम का इंतजार है। ठीक है, अब मित्रों बात यह है कि परिणाम का इंतजार है, इन भर्तियों में अड़चन आ रही, बाधाएं आ रही, कारण क्या हो सकता है ना भाई। अगर भर्ती का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वैसे 2412 पद की वैकेंसी जो हेल्पर 2 की है ना, इसमें करीब 6 महीने बीतने जा रहे हैं। आज दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और आज जून है, देखते हैं 3 जनवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। ठीक है, और 3 जून भी चला गया, यानी करीब 6 महीने से ऊपर होना जा रहा है। तो फिर भी इसका परिणाम क्यों नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है, तो देखते हैं कारण क्या है। ठीक है, कारण ये है MBC EWS में से 2 ट्वीट किए थे, एक ट्वीट के जस्ट बाद में एक ट्वीट और किया था, उसमें कारण बताया MBS एंड EWS। आपको पता है EWS अभी 10% आरक्षण वाला है और MBS 5% आरक्षण का रगड़ा चल रहा है, वही है। ठीक है, तो इन्हीं के आरक्षण की जो अड़चन है, इन्हीं की वजह से इन भर्तियों का परिणाम उस समय पर जारी नहीं हो रहा है। करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इसके परिणाम जारी नहीं हुए हैं। MBS है और EWS परिणाम को लेकर अभी तक चल रहा मंथन RPSC और RSSMB, यानी RPSC में और RSSMB की एक जो भर्तियां इन्होंने करवाई है, इसका परिणाम अभी तक जारी नहीं करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो MBC एंड EWS का आरक्षण संबंधी मुद्दा। ठीक है, तो दर्जनों भर्तियों का परिणाम इंतजार है, तो हो सकता है ये मामला सुलझ जाए और आपका परिणाम जल्द ही आ जाए। ठीक है, उसके सिवाय और आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है बिजली कंपनियों में 2412 टेक्निकल हेल्पर सेकंड की भर्ती 6 माह से अट गई, कारण क्या है। SBC आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कन्फ्यूजन में मामला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है MBC 5% वाला आरक्षण। ठीक है, प्रदेश के सरकारी बिजली कंपनियों में 2412 टेक्निकल हेल्पर द्वितीय की भर्ती का परिणाम 6 महीने से अटका हुआ है। भर्ती परीक्षा का परिणाम तैयार हो गया है लेकिन MBC आरक्षण को लेकर कन्फ्यूजन के कारण जारी नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बिजली कंपनियों में पहली बार अनस्किल्ड के तौर पर हेल्पर द्वितीय की भर्ती हो रही है। प्रदेश में 2412 पदों की सितंबर 2018 में टेक्निकल हेल्पर सेकंड की भर्ती निकाली थी। इन पदों पर दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई, परिणाम फरवरी तक जारी होना था लेकिन बाद में MBC आरक्षण को लेकर कन्फ्यूजन हो गया और डिस्कॉम में पेंडिंग लिस्ट में परिणाम डाल दिया गया। ठीक है, रोजाना 10 से 20 लोग विद्युत भवन में जानकारी लेने आते हैं लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। जयपुर डिस्कॉम की CPO राकेश शर्मा का कहना है कि भर्ती के लिए SBC मामला आरक्षण मामले में सरकार को फाइल भेजी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या सरकार इसका जवाब देती है। जब सरकार स्पष्ट जवाब दे देती है तो आपका परिणाम है निश्चित समय पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।